आखिर हमारे इंडियन टाइगर फिल्म में कैसे हो सकते हैं कमजोर और किस तरीके से पढ़ सकते हैं उन पर पाकिस्तानी टाइगर भाई, और क्या है फिल्म पर बनाई गई दो नॉवेल्स की इंटरेस्टिंग बातें, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दोस्त और आपकी होस्ट आपके सामने एक बार फिर आ गई हूँ अपने उन वादों को पूरा करने जो मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियोस में कहे थे। तो अब देखिए, मैं इतनी अच्छी हूँ तो अब आपका भी थोड़ा तो फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बस हमारी जो वीडियोज आती जाएं उन्हें देखते जाएं और उस इत्मीनान से उनको पसंद करते जाएं। तो चलिए आपको मैं आज बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या बातें करने वाले हैं। आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा जबरदस्त, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो वादा तो पूरा करूंगी ही जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, यानी कि मैं आपको बताने वाली हूँ फिल्म पर बनाई गई दो नॉवेल्स के बारे में, और वहीं मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे टाइगर यानी कि सलमान खान की फिल्म में सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी दोनों फिल्मों पर यानी कि पहली फिल्म एक था टाइगर और दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है पर बनाई जाने वाली नॉवेल्स का नाम और वो कब पब्लिश हुई थी ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इन दोनों नॉवेल्स ने आखिर क्या कमाल किया है। तो पहली नॉवेल जो आई थी जिसका नाम था एक था टाइगर सेविंग द हाई सीज, वो फिल्म की तरह असल में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है, जितनी फिल्म एक था टाइगर सक्सेसफुल थी उतनी ही बुरी तरीके से ये नॉवेल पिटी थी। इस नॉवल को ज्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया था। क्रिटिक्स के मुताबिक वो इस नॉवल से एक एक्साइटिंग नरेशन, एक डीपर प्लॉट और एक इंटेंस कहानी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस नॉवल ने उनकी एक्सपेक्टेशंस पर जैसे पानी फेर दिया। इसके बाद अगली नॉवल बनाई गई जिसका नाम था एक था टाइगर कॉट इन द वेब। इस नॉवल ने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कहीं ज्यादा काम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ लोगों ने पहली नॉवल के बाद अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, दूसरी नॉवल बन गई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। इतना ही नहीं, ये ग्राफिक नॉवल भी पहली ग्राफिक नॉवल की तरह ही योनिक्स द्वारा पब्लिश की गई थी। ये नॉवल दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो अब चलिए आइए वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे टाइगर की कमजोरी। तो आप सभी शायद जानते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे टाइगर की सिर्फ एक कमजोरी है, वो है उनकी ISI एजेंट यानी कि उनकी पाकिस्तानी बीवी जोया। अब जोया यानी कि कैटरीना कैफ फिल्म में सलमान खान यानी कि टाइगर की है सबसे बड़ी कमजोरी, और इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं फिल्म के दूसरे टाइगर यानी कि इमरान हाशमी, जो कि फिल्म में हमें पाकिस्तान के ही एजेंट यानी कि एक ISI एजेंट बने नजर आने वाले हैं। अब इस सबसे या तो कहीं ना कहीं हमारे टाइगर फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी बीवी भी पाकिस्तानी ही है, और पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस फिल्म के मुताबिक इन दोनों देशों के बीच होने वाली है बहुत तगड़ी फाइट। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सलमान कमजोर पड़ जाएं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी टाइगर कमजोर पड़ जाएं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टाइगर इस बात का फायदा उठा लें और हिंदुस्तानी टाइगर को परेशान करें। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या ऐसा फिल्म में दिखाया जा सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।